हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये वेज मायो सैंडविच। इसे हम बनाएंगे दो तरीके से। सबसे पहले तो सैंडविच मेकर में, जिसे ग्रिल करके हम तैयार करेंगे। और अगर आपके पास ग्रिलिंग मशीन नहीं है तो डोंट वरी, इसे हम इजीली तवे पर भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कम समय में ये बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वेज मायो सैंडविच बनाने के लिए जितनी भी वेजेस और इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो सब मैंने यहाँ पर रेडी करके रख लिए हैं। तो सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। चलिए जल्दी से फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक बोल ले लूँगी यहाँ पे। बोल में सबसे पहले हम ऐड करेंगे हमारी वेजेस, जितनी भी हमने सब्ज़ियाँ ली हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक बड़ी कटोरी पत्ता गोभी, कैबेज, देन कॉर्न जिसे मैंने उबाल लिया है, आधी कटोरी मैं ले रही हूँ यहाँ पे, देन रेड कैप्सिकम हाफ कटोरी, एक कटोरी ग्रीन कैप्सिकम मैं ले रही हूँ, देन हाफ कटोरी येलो कैप्सिकम। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज आधी कटोरी, देन गाजर आधी कटोरी। इन सभी को बारीक बारीक काट लिया है मैंने। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने हाफ टी स्पून, देन नमक हाफ टी स्पून। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज़। तो यहाँ पे 3 बड़ी चम्मच मायोनीज़ के मैं ऐड कर रही हूँ। और मायोनीज़ के साथ अपनी सब्जियों को, वेजेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला और वेजीज अच्छे से मिक्स हो जाए मायोनीज़ में, इनका टेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। सो यहाँ पर थोड़ी सी मायोनीज़ मैं और ऐड करूँगी, तो 2 चम्मच मैं यहाँ पर और ऐड कर रही हूँ। चलिए इन्हें भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो फिलिंग हमारी रेडी है ऑलमोस्ट, लीजिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फिलिंग हमारी बिल्कुल प्रॉपर बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब हम ले लेते हैं ब्रेड, सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड, बटर और ग्रीन चटनी मैंने यहाँ पे ले ली है। बटर यहाँ पे रूम टेम्परेचर का होना चाहिए ताकि आप इसे ईजीली ब्रेड पर इस तरह से लगा पाएँ। तो ब्रेड की एक साइड पे हम सबसे पहले बटर अच्छे से लगा लेंगे। आप देख सकते हैं पूरे ब्रेड पे मैंने अच्छी तरह से बटर जो है वो स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी मैंने पहले से रेडी कर ली है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इसका लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा होगा, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए ब्रेड हमने रेडी कर ली, अब हम इसमें फिल करेंगे फिलिंग। 2 चम्मच यहाँ पे लेके अच्छी तरह से फिलिंग को स्प्रेड कर लेंगे, हर तरफ फैला लेंगे बिल्कुल बराबर से। इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल इवनली मैंने स्प्रेड कर लिया है। अब सेकेंड स्लाइस लेंगे, दूसरी स्लाइस हम लेंगे, इस पर भी सेम हम बटर लगा लेंगे सबसे पहले। तो बटर हमने यहाँ पे लगा लिया है फ्रेंड्स। अब सेम हम रिपीट करेंगे, तो अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे ग्रीन चटनी, हर तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो लीजिए दूसरी स्लाइस पे हमने चटनी भी लगा ली। अब इसे हम रखेंगे फिलिंग के ऊपर और हल्के हाथों से दबा लेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे। तो सैंडविच रेडी है। अब इसके ऊपर हम बटर लगा लेंगे अगेन, दोबारा से थोड़ा सा बटर हर तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों मैंने यहाँ पे सैंडविच रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें हम ग्रिल कर लेंगे ग्रिलिंग मशीन में। तो जहाँ पे हमने बटर लगाया है उस हिस्से को हम ग्रिलिंग मशीन के नीचे रखेंगे इस तरह से, और जहाँ पे बटर नहीं लगाया है उसे ऊपर वाली साइड, और वहाँ पे भी हम बटर लगा लेंगे। जी हाँ, उसे छोड़ना नहीं है, वहाँ पे भी हम बटर लगा लेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा।
हाँ आप ज़्यादा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बटर लगा लिया है और इसे हम कर देंगे अब बंद। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे हम पका लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारे सैंडविच जो हैं वो कुछ इस तरह के दिख रहे हैं, जो कि रेडी हैं। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। बिल्कुल टेस्टी टेस्टी यमी यमी लग रहे हैं देखने में। सो वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए तो इन्हें अब हम काट लेते हैं। बिल्कुल क्रंची बने हैं ये, आप देख सकते हैं। और इनकी फिलिंग जो है वो भी बिल्कुल बाहर नहीं आई है बिल्कुल भी। हमारा सैंडविच जो है वो एकदम परफेक्ट ग्रिल हुआ है। सी गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। चलिए सो ग्रिल करके तो हमने सैंडविच यहाँ पे रेडी कर लिया, लेकिन अगर आपके पास ग्रिलिंग मशीन नहीं है, सैंडविच मेकर नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलिए इसे तवे पे कैसे बनाना है वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे नॉनस्टिक तवा लिया है मैंने, और अगेन जहाँ पे मैंने सैंडविच पे बटर लगाया है वो हिस्सा मैं तवे पे रख दूँगी, और ऊपर से अगेन इसमें दोबारा से हम बटर लगा लेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल स्लो रखनी है हमें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना है। सो 1 से 1.5 मिनट इसे पका लिया है हमने, इसे हम चेंज कर लेंगे दूसरी साइड पे। बहुत ही सिंपल है, कोई भी झंझट वाला काम नहीं है, तो ईजिली आप इसे घर पे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसका, बिल्कुल क्रंची बना है। तो लीजिए हमारा सैंडविच जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए इसे भी मैं आपको काट के दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो ये भी सुपर क्रंची बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी, और इसका टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही यमी है। सो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।